नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुंभ राशि के राशिफल के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं जैसे ही वीडियो आए। साथ साथ अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं डेटो को डिटेल्स के साथ। एक क्वेश्चन अगर आप सिलेक्ट होंगे तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आपका एनालिसिस किया जाएगा, वो भी इसी चैनल पर। तो देर बिल्कुल मत करिए लाइक करने में और कमेंट करने में। और इसके अलावा अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, शुरू से सीखना चाहते हैं, तो मेरा दूसरा चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन करिए। आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। साथ साथ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिएगा, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस राशिफल की अगर हम बात करें तो आर्थिक रूप से हम देखेंगे इस राशिफल को, स्वास्थ्य के जीवन के रूप में देखेंगे, कैरियर देखेंगे, आपकी लव लाइफ देखेंगे, आपकी एजुकेशन को देखेंगे, आपके वैवाहिक जीवन को देखेंगे। साथ साथ कुछ उपाय भी मैं बताऊंगा आपको, जो इस साल के दौरान आपको यहाँ पर करने होंगे। अगर जनरल ट्रेंड्स की हम लोग बात करें, साल की शुरुआत में काफ़ी हद तक आपको सफलता प्राप्त होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखें, क्योंकि कई बार स्थिति आपकी ऐसी आएगी जब आपको थोड़ा सा यहाँ पर लेजीनेस आ सकती है। अगर आप उस लेजीनेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएँ तो आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी हद तक सामान्य रहेगा, और पिताजी के साथ जो आपकी दिक्कतें चल रही थी, आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वह भी समाप्ति की ओर जाएंगी। जो बातें हो गई हैं उनको थोड़ा सा आप छोड़ने का प्रयास करें और आगे अपने रिश्ते को मजबूत करने का प्रयास करें। मुझे ऐसा लगता है कि विवादों से जितना आप घर वालों के साथ बचेंगे, बड़े भाई या छोटे भाई के साथ जितने विवाद आपके कम होंगे इस साल, उतना आपके लिए बेहतरी ये लेकर आएगा। प्रेम संबंधों में आपके रोमांस में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आप काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम विवाह के भी यहाँ पर ऑप्शन खुले रहेंगे। शादीशुदा जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ससुराल के साथ कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप की स्थिति आपकी बन सकती है। तो ये तो जनरल था, अभी हम विस्तृत रूप से जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और साथ साथ आई बटन में मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ छोड़े हुए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। देखिए, शुरुआत में आपके आर्थिक जीवन से करूँगा, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है आज की डेट में, वो धन है। देखिए, शुरुआत जो है वो सामान्य से बेहतर जाएगी, पूरा साल आपका अच्छा जाएगा, और कुछ नए रिसोर्सेज से आपको पैसा आता हुआ दिखाई देगा। 16 जनवरी को मंगल का धनु राशि में वाला गोचर आपके आर्थिक जीवन को सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव चेंजेस आपको लेकर आएगा, जो भाग्य में आपके साथ देगा, और जहाँ पर आपकी जो आर्थिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। मार्च का महीना आपके लिए और अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। आपके लग्न भाव का स्वामी आपकी ही राशि में उपस्थित रहेगा, जिससे आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। मार्च का महीना शुरुआत से आपके लिए अनुकूल होता हुआ दिखाई देगा, जिसके वजह से आपकी जो आर्थिक स्थिति है और बेहतर होगी। साथ साथ रुके हुए धन की भी प्राप्ति यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। हालाँकि खर्चे भी आपके अननेसेसरी होंगे, और जुलाई माह से सितंबर माह में आपके लग्न भाव के स्वामी आपके खर्चे के द्वादश भाव में विराजमान होंगे, इसलिए आपको यहाँ पर नियंत्रण भी रखने की आवश्यकता रहेगी। आपकी खर्चे जो है वो नई परियोजनाओं के ऊपर होते हुए दिखाई देंगे। राहु का जो स्थान परिवर्तन मेष राशि में होगा 22 अप्रैल को, वह आपकी राशि के तृतीय भाव में सक्रिय होगा, परंतु ध्यान देने की बात यह है कि धन के लालच में थोड़ा आप अपना नुकसान ना कर बैठें, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो उसका नुकसान आपको काफ़ी हद तक उठाना पड़ सकता है। नवंबर दिसंबर का जो माह रहेगा वह आपको आर्थिक लाभ प्राप्त कराता हुआ दिखाई देगा, व्यापार हो चाहे नौकरी हो, यह आपके काफ़ी हद तक ये साल आपके लिए बहुत बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बात करते हैं आपके कैरियर के बारे में, कि कैरियर आपका इस साल कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, कैरियर की स्थिति भी बहुत अच्छी है। जो प्रथम महीना रहेगा जनवरी का, उस पर मंगल का धनु राशि में गोचर आपको लाभ कराएगा, और आर्थिक दृष्टिकोण से भी और कैरियर के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर सफलता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो अच्छा लाभ यहाँ पर कमा पाएंगे, और एक नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो भी अच्छा रहेगा। कुछ नया मॉडिफिकेशन अपने व्यापार में करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मई तक आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी जो पेशा है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय जाता हुआ दिखाई देगा।
अप्रैल माह में शनि की आपके ऊपर काफ़ी जो है कृपा रहेगी, जिससे आपको काफ़ी अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि शनि जब जब एक्टिव होते हैं तो थोड़ा लेजीनेस आपको लेकर आते हैं, थोड़ा सा अपने आपको प्रोएक्टिव रखने की ज़रूरत है, और बहुत अच्छे तरीके से अगर आप चला पाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। जो जातक व्यापार करते हैं उन्हें पार्टनर से अपने अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे और बेहतर तालमेल बनाने की ज़रूरत आपको रहेगी। सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में आपके दशम भाव का स्वामी आपके चतुर्थ भाव के पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिसमें आपकी जो आय है या कहूँ कार्य क्षेत्र में प्रभावित यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे। कुछ नए बदलाव कर सकते हैं, नौकरी में चेंज अगर करना चाह रहे हैं तो वह बहुत अच्छे चेंज यहाँ पर आप करते हुए दिखाई देंगे। छोटे मोटे विवाद आपके चलते रहेंगे। साल करियर के हिसाब से बहुत अच्छा जो है वो जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर आप अच्छी अपने अंदर बदलाव लेकर आते हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तो ये साल आपके लिए बहुत बेहतर होता हुआ आपको दिखाई देगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन के लिए, आइए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और अगर आप किसी तरीके का एनालिसिस करना चाहते हैं तो 9411848508 पर आप उससे एनालिसिस करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये टेलीफोनिक आएगा नहीं होगा, आपको एक ऑडियो फॉर्मेशन दिया जाएगा। और बहुत जल्दी ही मैं एक फ्री रिपोर्ट जनरेट कराने वाला हूँ चैनल पर, तो चैनल को हमारे देखते रहिए। देखिए, पढ़ाई लिखाई की बात अगर हम करें तो ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। आपके परीक्षा में जो परिणाम होंगे वो तो बेहतर होंगे, लेकिन वो तभी बेहतर होंगे जब आप मेहनत करेंगे। 26 फरवरी से मंगल ग्रह का आपकी राशि के 12वें भाव में होने वाला स्थान परिवर्तन जो है वो आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। अप्रैल के मध्य में शनि का भी आपकी राशि में विराजमान होना आपको मेहनत कराता हुआ दिखाई देगा। इस समय क्योंकि कर्म का फल देने वाले हैं शनि, तो छात्राओं को अधिक समस्या आ सकती है, और जैसे मैंने कहा कि लेजीनेस तो आएगी, तो यहाँ पर आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा अपनी मेहनत पर और शिक्षा पर, और अपने ऊपर विश्वास रख के आगे आपको बढ़ना होगा, नहीं तो आप दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति की का आपकी प्रतियोगिता के भाव पर दृष्टि करना आपको विशेष उत्तम फल यहाँ पर देता हुआ दिखाई देगा। जो लगे हैं कॉम्पिटिशन की तैयारी में उनके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये साल आपके लिए बेहतर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करता हूँ आपकी लव लाइफ के बारे में, कि आपकी लव लाइफ इस साल कैसी जा रही है। बहुत अनुकूलता लेकर आ रही है ये साल आपके लिए, और बहुत जो प्रेमी के बीच में कुछ अनबन चल रही थी या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, और पारदर्शिता यानी कि प्रैक्टिकलिटी या कहूँ एक कहते ना बिल्कुल प्योर लव आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रैल में शनि का होने वाला कुछ समस्याएं दे सकता है, अपने शब्दों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें तो बेहतर रहेगा। कोई बड़ा कार्य करने में जल्दबाजी ना करें, और अगर आप इन समय को निकाल देते हैं तो कुल मिलाकर आपका जो समय है वो रिश्तों में सफलता वाला बना हुआ है। प्रेम विवाह के लिए भी योग इस साल बन रहे हैं, आप जो हैं वो कर सकते हैं प्रेम विवाह, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा गलतफहमियों से दूर रखें अपने आप को, अपने संबंधों को और अधिक मधुर बनाएं तो बेहतर आपके लिए यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर देखें आपके वैवाहिक जीवन को, अगर हम देखें तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा। साल का जो दूसरा जो परिस्थितियाँ आपकी हो रही हैं दूसरे भाग में, वो काफ़ी बेहतर हो रही हैं। यहाँ पर आपका जो मूड है वो अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिश्तों में नयापन महसूस करेंगे। जो विवाद आपके चल रहे थे वह यहाँ पर थोड़े समाप्त होते हुए दिखाई देंगे, और जो भी विवाद शुरुआत में होंगे वह यहाँ पर सॉल्व आउट होते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी व ससुराल पक्ष से लगातार थोड़ा तनाव देखने को मिलेगा, और मार्च के महीने के मध्य में अष्टम भाव का स्वामी बुध आपके विवाह के भाव में दृष्टि करेगा, जो कुछ गलत फहमियों को उत्पन्न करा सकता है। जितना हो सके धैर्य का परिचय यहाँ पर दें तो बेहतर रहेगा। जून और जुलाई के मध्य में समझौता देखने को मिलेगा, और सितंबर के माह में आप दोनों पुनः प्रेम और रोमांस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ खट्टे मीठे अनुभव यहाँ पर आपके जाते हुए दिखाई मुझे दे रहे हैं। बात करते हैं थोड़ा सा पारिवारिक जीवन की, ये पारिवारिक जीवन आपका इस साल कैसा रहने वाला है। कुछ बदलाव तो नहीं आएंगे, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, और जनवरी से लेकर मार्च तक का जो समय है उसमें कुछ पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा उसमें अपना जो रोल है उसको थोड़ा सा नैरो करके चलें, यानी कि अपना ज़्यादा बढ़ चढ़ के ना बोलें, दूर रहें विवादों से, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि साल की शुरुआत में मंगल द्वारा आपके परिवार के दूसरे भाव में दृष्टि करना मानसिक तनाव में वृद्धि कर रहा है, और अभी भी आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं।
राहु का गोचर मेष राशि और कर्म फल दाता शनि का गोचर कुंभ राशि में होना ये विशेष रूप से पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है, जिसपे आपके मन में एक सुरूर आ जाता है, ये कहूँ एक जिद्दीपन आ जाता है, जिसकी वजह से घर परिवार से आपकी ठन जाती है। इसलिए थोड़ा सा वाणी पर ध्यान रखना है आपको, कुछ गलत ऐसा नहीं बोलना है, जिससे कटु नहीं बोलना है आपको, जिससे दिक्कतों का सामना आपको करना पड़े। सितंबर माह का समय ऐसी परिस्थितियों की तरफ इशारा कर रहा है जो आपको थोड़ा सा बाहर लेके जा रहा है। अगस्त के माह के दौरान मंगल ग्रह द्वारा आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करना आपके घर से दूर जाने का योग बना रहा है और इससे आपके जो परिवार का प्रेम है वह बढ़ता हुआ दिखाई देगा और लास्ट के जो 3-4 महीने रहेंगे उसमें आप बहुत अच्छा फिर से करते हुए दिखाई देंगे। तो शुरुआती जो दौर है आपका उसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर देख कर चलने की आवश्यकता यहाँ पर ज़रूर रहने वाली है। अब बात करते हैं वीडियो में आगे स्वास्थ्य के बारे में, उसके बाद बात करूँगा आपके उपायों के बारे में। देखिए स्वास्थ्य जीवन जो आपका है सामान्य रहेगा, थोड़ी बहुत मानसिक परेशानियां पूरे साल बनी रहेंगी, तनाव की स्थिति बनी रहेगी। अगर आप अपनी वाणी पर विशेषतः ध्यान रखते हैं, कुछ ज़्यादा कटु नहीं बोलते हैं, तो आपकी स्थिति बेहतर भी होती हुई दिखाई दे रही है। अप्रैल में थोड़ा भाई बहनों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य कष्ट उन्हें दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको भी छोटी मोटी परेशानियाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं, इसको गंभीरता से लें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई हकीम नकीम के चक्कर में ना पड़े, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं तो बेहतर है, घरेलू उपचार से बचे तो बेहतर रहेगा। अपने जीवन में सकारात्मकता लेके आएं, पॉजिटिविटी लेकर आएं। यहाँ पर आपको मैं हिदायत दूंगा कि कुछ नए गानों को सुने, कुछ पॉजिटिव वाइब्स लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। घर में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करें जिससे नेगेटिविटी भाग जाए और बेहतर आपके लिए यहाँ पर चीज़ें बनती हुई दिखाई दें। आपकी माता का सेहत यहाँ पर सुधार की तरफ जाएगा, खासतौर से जुलाई और अगस्त के दौरान आपकी माता को जो अगर कोई दिक्कत है अभी तो सुधार की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। और सेहत से जुड़ी परेशानियाँ थोड़ी थोड़ी चलेंगी आपकी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। पेट से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, खासतौर से लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करता हूँ उपायों के बारे में कि उपाय आप कौन से कर सकते हैं। यहाँ पर शनिदेव की उपासना करना अच्छा रहेगा, साथ साथ शिव जी की उपासना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार को गुड़ की रोटी खिलाएं गाय को, बेहतर रहेगा और आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप जोहे का दान कर पाएं शनिवार वाले दिन तो ये आपके लिए और बेहतर रहेगा। आने वाला साल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहे, बहुत ही अच्छा रहे, यही मेरी कामना रहती है। इसी तरह हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए, क्योंकि बहुत कुछ नया और बहुत कुछ अच्छा हम आपको देते रहते हैं। आपने इस राशिफल को सुना और शेयर करा और लाइक करा, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।